नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ किस तरह आप Xiaomi के फ़ोन में जो ऐड आते हैं, आपके पास कौन सा भी फ़ोन हो, Redmi Note 5, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 7 Pro और उसमें ऐड आते हैं और आप परेशान हो ऐड के वजह से, तो आज इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ किस तरह आप ऐड को रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो पहला तो मैं प्रो टिप दे देता हूँ, तो ये जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र मिलता है हमें, यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, आप इसे ऑफ कर दीजिए सेटिंग में, और ये जो आता है सेट एज डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, ये वाला, इसे आप ऑफ कर दीजिए। तो इसमें ही हमें बहुत सारे ऐड देखने मिल जाते हैं, तो ऐड रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम चले जाएंगे थ्री लाइन में जाने के बाद में यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे नीचे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, और इसमें जाने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो रेकमेंडेड फॉर यू, तो आप इसे ऑफ कर दीजिए। अभी ये ऑफ करने के बाद में आपको कुछ भी रेकमेंडेशन शो नहीं होएगा। अभी ये तो हो गया पहला, अभी दूसरा जिसमें हमें ऐड देखने मिलता है वो है फाइल मैनेजर। तो आपके फ़ोन में आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल मैनेजर में भी बहुत सारे ऐड आते हैं, तो उन ऐड को रिमूव करने के लिए यहाँ पे थ्री डॉट में जाने के बाद में यहाँ पे सेटिंग, और फिर सेटिंग में अबाउट, हाँ मुझे पता है थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है अबाउट, पर अबाउट में ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है रिकमेंडेशन, इसे आप ऑफ कर दीजिए, और इसमें भी अभी ऐड नहीं आई थी। अभी जो थर्ड ऐप्स है जिसमें हमें ऐड देखने मिलती है वो है एमआईटा सिक्योरिटी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इसे भी ऑफ करने के लिए इसे ओपन कीजिए, और फिर यहाँ पे सेटिंग में चले जाइए, और फिर सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे आप देख सकते हो रिकमेंडेशन, तो मैंने पहले से ही ऑफ कर दिया है, रिसीव रिकमेंडेशन ऑफ है मेरा, तो आप भी इसे ऑफ कर दीजिए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऐड आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उन सभी में छोटा MB का रैम डाउनलोड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का पेज आता है, तो यहाँ पे तभी तभी ऐड भी देखने को मिलता है, तो बहुत सारे यूज़र यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ऐड पे, और फिर वो जो भी ऐड आता है उसका एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, तो इसे ऑफ करने के लिए यहाँ पे आप, और फिर ये सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो रिसीव रिकमेंडेशन, इसे आप ऑफ कर दीजिए, और इसे ऑफ करने के बाद में यहाँ पे जो भी ऐड आएगा वो अभी शो नहीं होगा। दूसरा एप्लीकेशन है जहाँ पे हमें ऐड देखने मिलता है वो है डाउनलोड्स, और यहाँ पे आप डाउनलोड्स में देख सकते हो, यहाँ पे अभी तो ऐड शो नहीं हो रहा है, पर पहले बहुत यहाँ पे ऐड शो होता है, आप कुछ भी डाउनलोड करते हो तो उससे नीचे ऐड आ जाता है, तो ऐड तो रिमूव करने के लिए यहाँ पे आप थ्री डॉट में चले जाइए, थ्री डॉट में जाने के बाद में यहाँ पे सेटिंग, और सेटिंग में यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है शो रेकमेंडेड कंटेंट, इसे आप ऑफ कर दीजिए, और यहाँ पे आ रहा है तो इसे ओके, और फिर अभी यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ऐड नहीं आएगा, जो भी यहाँ पे ऐड शो होता था अभी वो सब ऐड शो नहीं होएगा। अभी ये जो मैं बताने वाला हूँ ये तो डेफिनेटली आपने फील भी किया होगा, आप कुछ भी सर्च करते हो तो आप तो वही रिकमेंडेशन बताता है, तो इसे ऑफ करने के लिए आप यहाँ पे सेटिंग में चले जाइए, और फिर सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में, और फिर एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे प्राइवेसी, और प्राइवेसी में नीचे जाने के बाद में यहाँ पे ऐड सर्विस, और यहाँ पे आप देख सकते हो रिकमेंडेशन, और फिर ये जो आ रहा है इसे आप ऑफ कर दीजिए, और इससे क्या होगा जो भी आप तो वो रिकमेंड आता था वो अभी नहीं आएगा, तो इसे भी आप ऑफ कर दीजिए। अभी जो दूसरा एप्लीकेशन है जहाँ पे हमें ऐड देखने मिलता है वो है MI म्यूजिक, और यहाँ पे अभी तो शो नहीं हो रहा है ऐड मेरा, तो ये पहले से ऑफ है इसलिए मुझे शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप थ्री लाइन में चले जाइए, यहाँ पे मैं जूम करके भी बता देता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे सेटिंग, और ये होने के बाद में यहाँ पे एडवांस सेटिंग, और एडवांस सेटिंग में यहाँ पे नीचे चले जाइए, और यहाँ पे आप देख सकते हो रिसीव रिकमेंडेशन, इसे आप ऑफ कर दीजिए, मेरा पहले से ही ऑफ ही है, और फिर इस तरह भाई आ जाता है ये MI म्यूजिक हुआ और MI वीडियो, तो MI वीडियो में भी हमें बहुत सारी ऐड देखने मिलती है, तो उसे ऑफ करने के लिए आप अकाउंट में चले जाइए, फिर अकाउंट में यहाँ पे सेटिंग में,
और फिर सेटिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन रिकमेंडेशन आ रहा है, तो इसे भी आप ऑफ कर दीजिए, मेरा पहले से ही ऑफ ही है। और ये जो पुश नोटिफिकेशन है इसे भी आप ऑफ कर दीजिए, जो नोटिफिकेशन आता था वो भी नहीं आएगा अभी। अगर मैं ऐसे ही बताते रहूँ तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो आप जिसमें भी ऐड आ रहा है उसमें सेटिंग में जाते हैं रिकमेंडेशन ऑफ कर दीजिए, अगर वो भी आपको स्टेप नहीं करना है और आपको परमानेंट ये ऐड रिमूव करना है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। MI वीडियो में ऐप इन्फो में चले जाइए और फिर ऐप इन्फो में जाने के बाद में यहाँ पे नोटिफिकेशन और इसे ऑफ ही कर दीजिए। अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो आप इसे ऑफ ही कर दीजिए, और अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में आपको ऐड भी शो नहीं होएगा। तो मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ MI वीडियो, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों का नोटिफिकेशन ऑफ ही रहता है, क्योंकि ये दोनों मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ तो इसलिए मैंने दोनों ऑफ ही रहता है। अगर और भी कुछ डाउट है ये जैसे रिमूव करें या ये जो ऊपर से बटन है वो जैसे रिमूव करें तो नीचे कमेंट दीजिए, और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।